नमस्कार, सुमरनर आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज। आई न्यूज डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ अहम खबरों पर। उज्जैन प्रतिबंध के बाद भी चाइना डोर बिक्री करने के मामले में आरोपी हितेश के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले पुलिस ने उसके साथियों के पास से अवैध माल बरामद किया था। भोपाल में युवती ने अज्ञात कारणों के चलते तालाब में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवती सीहोर की रहने वाली बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सुसाइड के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन की चेतावनी दी। कार्यकर्ताओं की मुख्य मांगे हैं कि उन्हें भी शासकीय कर्मचारी घोषित एवं कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी शिक्षक का दर्जा एवं वेतन दिया जाए। बीजापुर के नक्सल इलाके से 24 दिसंबर से लापता पेटी ठेकेदारों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है, जिसके बाद चारों के नक्सलियों द्वारा अपहरण करने की आशंका जताई जा रही है, जिसको देखते हुए परिजनों ने नक्सल संगठन से उनकी रिहाई की अपील की है। नारायणपुर में धर्मांतरण की खबर के बीच दो समुदायों के बीच बवाल हो गया और देखते ही देखते वहां भगदड़ मच गई। लोगों ने एक दूसरे पर पथराव करना शुरू कर दिया। वहीं बवाल को शांत कराने पहुंचे पुलिस अधीक्षक भी पत्थरबाजी में घायल हो गए। मुंगेली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद अरुण साव अपने एक दिवसीय प्रवास कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने यादव नाच उत्सव कार्यक्रम में शिरकत की, जहां कार्यक्रम में लोगों ने अपने अपने अंदाज में कलाकारियां कर अपने प्रतिभा को दिखाया। वहीं इस दौरान अरुण साव कांग्रेस पर हमला बोलते हुए जमकर बरसे। शिवपुरी में जैन समाज के लोगों ने सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किया जाने को लेकर मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। जैन समाज के लोगों ने कहा कि अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो ये विरोध प्रदर्शन आगे और भी उग्र रूप लेगा। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस विधायक सुनील शर्राफ के हर्ष फायरिंग मामले पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी को अपना चाल चरित्र चेहरा देखना चाहिए। बीजेपी के मंत्री विधायक नेता और आरएसएस के स्वयंसेवक की तमाम अश्लील सीडीज हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इस तरीके का आरोप लगाना हमारे संस्कृति में नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश सरकार नए साल पर गरीबों के लिए भूखंड उपलब्ध कराने की सौगात दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि वे जब टीकमगढ़ गए थे तो लोगों ने बताया था कि घर में रहने के लिए जगह नहीं है। कल टीकमगढ़ जिले के 10,500 लोगों को 120 करोड़ रुपए की लागत के भूखंड वितरित करेंगे। भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र में पुलिस ने बाइक से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को यह सफलता सीसीटीवी की मदद से मिली है। इसमें 3 संदिग्ध युवक दिखाई दिए हैं। पुलिस इनके पास से चोरी की बैटरियां भी बरामद कर ली हैं। मंदसौर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक वाहन से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद किए हैं। बरामद मादक पदार्थ की कीमत तकरीबन 11 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने वाहन को जब्त करते हुए मालिक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कांग्रेस विधायक सुनील शर्राफ के रिवॉल्वर से गोली चलाने के वीडियो पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक का ये पहला कारनामा नहीं है। कुछ दिन पहले भी उनके ऊपर ट्रेन में एक बहन से अभद्रता करने पर FIR दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि खादी को लेकर राहुल गांधी दिखावा कर रहे हैं। देश की आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा खादी खरीदी गई है तो वो पीएम मोदी के आह्वान पर खरीदी गई है। अगर उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग को कांग्रेस ने धोखा दिया है। फिलहाल मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे मैं भारत न्यूज।